हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्षवर्धन। वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में फाइल परमिशंस के बारे में सीखेंगे। आप कहेंगे अभी तो इतनी सारी फाइल परमिशंस करवाई हैं हमें, तो अब इसमें भी फाइल परमिशन सीखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मैं आपको एडवांस्ड फाइल परमिशन के बारे में बताऊँगा, और लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बेसिक फाइल परमिशंस के बारे में बताया था। तो एडवांस्ड फाइल परमिशंस के बारे में कैसे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, एक होती है रीड की, एक होती है राइट की, और एक होती है एग्जीक्यूट की। तीन परमिशंस होती है, और ये तीनों परमिशंस ही एक यूज़र को भी मिलती है, ग्रुप को भी मिलती है, और अदर्स को भी मिलती है। ये तीन चीज़ों के अलावा और कोई लिनक्स सिस्टम में मेंबर नहीं होता यूज़र। यूज़र्स जितने भी होते हैं, यूज़र ओनर, वो यूज़र में आते हैं, और जो भी ग्रुप या ग्रुप ओनर ग्रुप मेंबर्स हो गए वो जी में आते हैं, और बाकी जितने भी जो इन दोनों को छोड़ के जितने भी यूज़र्स होते हैं वो बाकी अदर्स में आते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें भी तीन तरह की परमिशंस होती है। एक तो होती है यूज़र्स के लिए, जिसमें जिसको हम सेट यू आई डी बोलते हैं, सेट यू आई डी बिट। तो ये किसके लिए होती है, ये यूज़र ओनर के लिए होती है। अब इसमें ऐसे ही एक ग्रुप की होती है, उसको बोलते हैं सेट जी आई डी, और एक होती है अदर्स के लिए, उसको हम बोलते हैं स्टिकी बिट। तो ये ऐसे तीन परमिशंस होती है, ये एडवांस फाइल सिक्योरिटी के लिए है। तो सेट यू आई डी की हम बात करें तो ये होता क्या है। अब ये किसी भी, हमने मान लीजिए कोई भी एक फाइल है, आप उसके ओनर हैं, आप उसके क्या है ओनर, और आपने उस फाइल को आप चाहते हैं कि कोई और यूज़र भी उसको एग्जीक्यूट कराए, कैसे, जैसे कि उस ओनर को परमिशन मिली हुई है उस फाइल पे। तो वो उसके ऊपर क्या करेगा, वो सेट यू आई डी उस पर सेट कर देगा, ये वाली बिट जो है उस पर सेट कर देगा। तो अगर आपको नहीं समझ आया, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। करना क्या होता है, जैसे कि मैं एक ओनर हूँ, मैंने एक फाइल बनाई और मैं उस फाइल का ओनर हूँ। तो जब मैंने वो फाइल बनाई तो हुआ क्या, मैंने उस पर ये सेट यू आई डी बिट सेट कर दी। जब मैंने उस फाइल पर सेट यू आई डी बिट सेट कर दी, तो जितने भी और यूज़र्स हैं, चाहे वो ग्रुप के होंगे चाहे वो अदर्स के होंगे, वो जब भी उस फाइल को चलाएंगे तो वो एग्जीक्यूट करेगी, वो फाइल चलेगी। और चलेगी कैसे, जो मेरे को परमिशन मिली होगी ना उस फाइल पे, जो मैंने खुद के लिए परमिशन रखी होगी, चाहे मैंने रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन रखी होगी, तो वो इस परमिशन के साथ वो दोनों लोग, जो भी ग्रुप मेंबर होंगे अदर्स होंगे, वो दोनों लोग इस परमिशन के साथ उस फाइल को एग्जीक्यूट करवा सकेंगे। मतलब उनको ऐसा राइट मिल जाएगा कि हाँ, वो एक किस्म के उस फाइल के ओनर ही हो जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करवा सकेंगे। तो ठीक है, हम एग्जांपल कुछ देखेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा। तो एग्जांपल में सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हमें पता है जो ये ई टी सी शेडो फाइल है, ये हमें पता है इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर पासवर्ड, हमारे जितने भी पासवर्ड होते हैं वो सारी डिटेल्स इसके अंदर होती है। अब जब पासवर्ड की डिटेल इसके अंदर होती है, तो आप कहेंगे कि भाई ये चीज़ तो कोई भी यूज़र, जब भी कोई यूज़र अपना पासवर्ड चेंज करता होगा तो ये वाली फाइल अपडेट होती होगी ईटीसी के अंदर शेडो। लेकिन ये तो सिर्फ, इस फाइल का एक्सेस तो सिर्फ रूट के पास होता है, क्योंकि रूट ही तो इसका मेन मालिक होता है। रूट के अलावा इस फाइल को कौन, कोई कुछ कर थोड़ी सकते, चेंज राइट कुछ भी नहीं कर सकता। तो होगा क्या, अगर हम इसकी देखें तो, अब आप देखें इसमें तो कुछ परमिशन ही नहीं आ रही, तो इसका ओनर कौन आ रहा है, रूट आ रहा है, और ग्रुप ओनर भी रूट आ रहा है। तो ये जो फाइल है, इसको जब हम पासवर्ड अपडेट करते हैं तो इस फाइल में चेंजेस होते हैं, ये फाइल अपडेट होती है। कोई भी यूज़र कोई भी अपना पासवर्ड चेंज करेगा तो यही फाइल अपडेट होगी। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि नॉर्मल यूज़र भी अगर इस फाइल को एक्सेस कर पा रहा है तो फिर पासवर्ड तो फिर सिक्योर रही नहीं। तो ऐसा होता क्यों है, इसी वजह से होता है क्योंकि इस पे यू आई डी बिट सेट होती है। अब आपको जैसे मैं दिखाऊं कि हम पास डब्ल्यू डी कमांड यूज़ करते हैं पासवर्ड चेंज करने के लिए, तो इस पे अगर मैं आपको लिस्ट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, हमें जाना पड़ेगा यूज़र के अंदर, बाइनरीज के अंदर जो पास डब्ल्यू डी पड़ी है। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर आर डब्ल्यू एक्स की जगह एस लिखा आ रहा है, तो ये एस क्या है, यही यू आई डी बिट के बारे में बताता है। अगर ये छोटा एस आ रहा है, मींस इसके पहले एग्जीक्यूट एक्स भी लिखा हुआ था। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अगर ये एस जो आप देख रहे हैं, ये एस आ तो रहा है, तो
तो ये x की जगह क्यों आ रहा है, ये x की जगह इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पे सेट यू आई डी सेट है, सेट यू आई डी बिट जो है वो ऑलरेडी सेट है, और ये स्मॉल s आ रहा है इसलिए क्योंकि पहले x था और उसकी जगह s आ गया तो ये स्मॉल s में चेंज हो गया। लेकिन अगर पहले x अगर नहीं होता, अगर x आप समझ रहे हैं ये नहीं होता, तो इसकी जगह क्या होता, कैपिटल s आ जाता, उससे पता चल जाता कि यू आई डी बिट जो है वो सेट है। तो हमने देख लिया इस पे यू आई डी बिट सेट है, तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इस जो फाइल पे यू आई डी बिट सेट है इसीलिए इस पे एस लिखा रहा है। और किस लिए, यूज़र की यू आई डी किस लिए होती है, यूज़र की होती है तो तीन बिट्स जो होती है रीड राइट एग्जीक्यूट जो तीन पहले की परमिशंस होती है वो यूज़र को ही बताती है, और वो यूज़र को बता रही है तो यूज़र पे ही एस लिखा रहा है, तो मीन्स इस पे यू आई डी बिट जो है वो सेट है ऑलरेडी। तो अगर हम आगे देखें, आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँगा तो आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ समझ आ जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हमें पता है SU, जब हम SU करते हैं स्विच यूज़र, तो यूज़र चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी ज़रा परमिशंस देखें, तो LL कर देता हूँ। LL जो है वो लॉन्ग लिस्ट का एक अलायस है, जो LS-L होता है ना लॉन्ग लिस्ट, इसका एक अलायस है ये, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ये भी लॉन्ग लिस्ट ही कहलाता है। तो इसमें होता क्या है, अगर हम इस पर जाएँ यूज़र के अंदर उसकी बाइनरीज देखें SU की, तो आप देख रहे हैं इस पे भी UID बिट सेट है। अब आपने देखा इस पे भी UID बिट सेट है S से, क्योंकि हमें पता चल गया S से UID बिट सेट है, तो इस पे भी सेट है। मींस सारे जो यूज़र हैं वो क्या कर सकते हैं, इसी उनके पास जो है रूट की, मतलब वो एज अ रूट ही उनको फाइल को चला सकते हैं। जब वो SU करेंगे तो एज अ रूट ही उनको सारी परमिशन, जो रूट को परमिशन है ना वही सारी उन सबको मिल जाएगी परमिशन, तभी तो वो स्विच यूज़र कर पाएंगे, नहीं तो क्यों कर पाएंगे। तो हम ठीक है आगे देखते हैं। अब मैं इसमें से क्या करूँ, मैं इसमें से परमिशन मान लीजिए मैं हटा देता हूँ, तो परमिशन हटाने के तो कमांड वही है chmod चेंज मोड, तो यू मतलब यूज़र की मैं हटाना चाहता हूँ, तो मान लीजिए मैंने इस पे एस किसको रिप्रेजेंट करता है, यू आई डी को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने इस पे यूज़र में से यू आई डी मैंने इसकी हटाता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो कहाँ पे हमारी फाइल थी, यूज़र के अंदर बाइनरी के अंदर SU, तो अब मैंने इस पे हटा दी। अब मैं इस पे एक बार चेक कर लेता हूँ, तो अब आप देखें यहाँ पे एक्स लिखा आ गया। मैंने वो क्या कहा था कि अगर एक्स लिखा हुआ है तो छोटे वाला मतलब स्मॉल s आ जाएगा इसकी जगह पे, स्मॉल s से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर ये x नहीं होता, ये वाला x यहाँ पे नहीं होता, तो कैपिटल s आ जाता यहाँ पे। तो s बेसिकली बताता क्या है, s तो यही बताता है कि उस पर यू आई डी सेट है। जैसे कि x बताता है एग्जीक्यूटेबल फाइल है, w बताता है राइट की परमिशन है, r बताता है रीड की, ऐसे ही s बताता है कि उस पर यू आई डी बिट सेट है। लेकिन अब मैंने इससे हटा दी यू आई डी बिट, इससे मैंने हटा दी क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने हटा दी। अब ये आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल तो सबके लिए है, इसके लिए भी एग्जीक्यूटेबल है, यूज़र ओनर के लिए, ग्रुप के लिए, अदर्स के लिए भी है एग्जीक्यूटेबल फाइल सबके लिए। फिर भी हम एक चीज़ करते हैं, हम एक यूज़र बना लेते हैं, यूज़र एंड हर्षवर्धन नाम से मैं एक यूज़र बना लेता हूँ, और इसके बाद मैं इसका पासवर्ड भी रख लेता हूँ कुछ, तो अब मैं इसका पासवर्ड रख लेता हूँ, कोई भी एक पासवर्ड दे दिया। अब हमने SU जो करी थी, अब हम इसके बाद करते क्या हैं, अब हम इसमें चले जाते हैं यूज़र में। अब मैं इस यूज़र में जब स्विच यूज़र करके गया तो मैं अब चला गया, लेकिन अब आप देख रहे हैं अब मैं इसमें चला गया, मुझे मैं वापस जाता हूँ रूट पे, किस पे मैं वापस रूट पे जाना चाहता हूँ। तो जब मैं ये कर रहा हूँ और मैं रूट का पासवर्ड डाल रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम आएगी ऑथेंटिकेशन फेलियर। आप कितनी भी ट्राई कर लें आपको ये रूट पे जाना ही नहीं देगा, क्योंकि आपने जो SUID बिट थी वो आपने हटा दी। अब आपको इस फाइल पे SU फाइल पे आप रूट की परमिशंस के साथ इस पे काम ही नहीं कर पा रहे, बेशक इसको एग्जीक्यूट की कितनी परमिशन मिली हुई है, फिर भी आप इस पे इसको एग्जीक्यूट करवा ही नहीं पा रहे, आप इसके मतलब इसको एक्सेस कर ही नहीं पा रहे। आप इस फाइल को एक्सेस कर लेते तभी तो आप स्विच यूज़र कर सकते थे, अब आप यहाँ पे अटक जाएंगे। चाहे आप दोबारा ट्राई कर लीजिए और पासवर्ड डाल के देखिए, तब भी ऑथेंटिकेशन फेलियर ही आएगा। तो अब मैं करता क्या हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ, और टर्मिनल खोलने के बाद मैं
इसको अब मैं यहाँ पे रूट आ गया, तो आपको पता है रूट ही सब कुछ होता है, तो रूट तो परमिशन, रूट के लिए कोई परमिशन चाहिए ही नहीं होती, सब रूट सारा रूट को तो सारी परमिशन ही मिली होती है। तो अब मैं चेंज मोड करके क्या करता हूँ, इस पर मैं दोबारा से यू आई डी बिट सेट कर देता हूँ यूज़र के अंदर बाइनरी के अंदर एस यू कमांड पे। अब जब मैंने इस पर सेट कर दी दोबारा, तो क्या होगा, जो भी फाइल एस यू है इस फाइल पे, अब मैं एक बार पहले करके दिखा देता हूँ आपको, इस पर अब मैंने फिर से पासवर्ड डाला, तो अब आप देख रहे हैं लॉगिन हो गया। क्योंकि इस फाइल पे हुआ क्या, इस फाइल पे आपने इस फाइल को रूट की तरह चलाया, आपने इस फाइल को रूट की तरह चलाया, जैसे कि रूट खुद ही इस फाइल को चला रहा हो। तो सेट यू आई डी का ये काम होता है कि आपने इस फाइल को कैसे चलाया, कि जैसे रूट ही चला रहा हो वैसे आपने इस फाइल को एग्जीक्यूट करा दिया। अगर आपको ऐसे ही और चीज़ें आपको देखनी पड़े, और एक चीज़ और इसमें ये है कि जैसे कि हमने परमिशंस के बारे में पढ़ा था, तो परमिशंस में 4 होता था, एक 2 होता था और एक 1 होता था, ऐसे ही इसमें होता है। तो लेकिन इसमें 4 जो होता है वो यू आई डी बिट को बताता है, यू आई डी बिट को बताता है, और जो 2 होता है वो क्या बताता है, जी आई डी को, जी आई डी बिट को बताता है, ऑक्टल वैल्यूज है, और 1 क्या होता है, 1 बताता है स्टिकी बिट को, स्टिकी बिट। तो ये 3 इसमें स्पेशल तरह की परमिशंस होती हैं, और एडवांस लेवल की ये 3 ही परमिशंस होती हैं, ये बहुत मेन होती है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा यू आई डी बिट के बारे में, करता क्या है कि आप किसी भी फाइल पे इसको जब परमिशन ये यू आई डी बिट सेट कर देते हैं, तो जितने लोग हैं उस फाइल को उसके ओनर की परमिशन की तरह ही चला पाएंगे, कि जैसे उसका ओनर ही चला रहा हो। तो इसमें यही चीज़ है। अब इसमें मान लीजिए मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, जैसे कि आपको, आप कहेंगे और मेरे को फाइलें ढूंढनी है भाई, कौन सी किस पे क्या लगा होता है, तो अगर आप इस पे फाइंड कमांड से आप ढूंढ सकते हैं कि किस किस पे, मतलब किस किस पे यू आई डी बिट सेट है। तो आपको क्या करना होगा, बस ये फाइंड कमांड से आपको करना होगा। 4000 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो पहली बिट है ना, जो 3 बिट्स थी मैंने आपको बताया था, ये 3 बिट्स यूज़र ग्रुप और अदर्स को बताती है। मतलब इस पर वैल्यू 7 रख दूंगा तो सारी परमिशन हो जाएगी, इस पर यूज़र को, इस पर बीच वाले पे 7 रख दूंगा तो ग्रुप को सारी परमिशन मिल जाएगी, और इस पर 7 रख दूंगा तो अदर्स को सारी परमिशन मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले एक बिट आती है, और उस पर अगर मैंने 4 रख दिया तो मीन्स वो क्या बता रहा है, यू आई डी को, मीन्स वो यू आई डी को। तो ये फाइंड कमांड क्या करेगी, सारी यू आई डी जिस जिस पे लगी हो उसको आपके सामने बता देगी कि कौन कौन सी फाइल पे यू आई डी लगी हुई है। तो देखिए उसने ये सारे रिजल्ट बता दिए कि इन सब पे यू आई डी बिट पहले से ही सेट है, तो आप इन सबको ऑपरेट कर सकते हैं एज अ रूट यूजर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड प्रेस बेल आइकन बटन फॉर न्यू नोटिफिकेशन।